Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 9th. So we just started in our previous class, we started already the story of village Palampur, chapter 1 from economics class 9th. आज क्या करेंगे? Continue करेंगे chapter को. तो last day क्या क्या कर लिया था? फटाफट से quick review कर लेते हैं. So last day we will completed first question, that is what is economics? है ना, what is economics? ये हम लोगों ने समझ लिया था. Second day हम लोगों ने भी कर लिया है कि वट इज़ मनी, है ना, मनी क्या है ये भी एग्जैक्टली कर लिया था हम लोगों ने. थर्ड डे हम लोगों ने कर लिया था, है ना, वट आर द यूजेज ऑफ मनी. तो मेजर यूजेज ऑफ मनी को ये एग्जाम्पल बेस्ड में समझ लिया था हम लोगों ने. अच्छा एक चीज साथ में फोर्थ हम लोगों ने कर लिया था कि वट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये टॉपिक भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था हमारे फोर्थ यानी कि लास्ट डे के चौथा क्वेश्चन के तौर पे. एक मेरा छूट गया था, मतलब लास्ट डे ही बताना चाहिए था आपको, लेकिन भूल, मतलब दिमाग से उस समय स्लिप हो गया. बंद कर दीजिए उसे, आप बकास दीजिए. चलिए अब पांचवी बात कर लेते हैं जो उस दिन नहीं बता पाया आपको मैं, वो ये है कि जरा उस दिन मैंने आपको ये लिखवाया था कि व्हाट इज़ मनी में, कि मनी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज, है ना, इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज. तो ये मॉडर्न वर्ड को इम्फेसिस करके घर जाके पढ़े होगे तो शायद तुम्हारे दिमाग में हिंट नहीं किया होगा. अगर दिमाग चलाई भी नहीं करते हो तुम लोग, बचा के रखते हो कि भविष्य में काम आएगा ना, सारा दिमाग अब ये खर्च हो गया था फिर वो दिखते हैं. पापा जी वो कहेंगे कि भेजे थे आपके पास कि दिमाग तेज कीजिएगा, आप तो उल्टा खर्चा करवा के ख़त्म करवा दिए, इसलिए ठीक करते हो बचा के रखते हो. तो भैया आपको ये सोचना चाहिए था, क्या सोचना चाहिए था, यू नीड टू थिंक कि सर ने मेंशन किया है मनी इज अ मॉडर्न वे, तो भैया एंशियंट भी कुछ तो रहा होगा, है ना. अगर मनी मॉडर्न तरीका है, इट्स अ मॉडर्न वे विच वी कॉल मनी, सो वट वॉज एंशियंट. तो एंशियंट क्या है, कुछ तो होगा. तो योर फिफ्थ क्वेश्चन वही जा जो बताना था मुझे, बिल्कुल सही, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 5 वाज कि व्हाट वाज द एंशियंट मेथड या वे ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स. कि भैया सामान के लेन देन के लिए जो पुराना एंशियंट मेथड क्या है, दैट इज आर फिफ्थ क्वेश्चन, जिसको लास्ट डे ही हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ. देर आए तो दुरुस्त आए, कर लेते हैं अभी. सो भैया फिफ्थ नंबर का आंसर समझो. इन एंशियंट टाइम वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. इन अ सिंपल वे यू कैन से, है ना, लेन देन की प्रथा. लेन देन की प्रथा मीन्स क्या है इसका, इट वॉज अ मोड ऑफ एक्सचेंज वेर वी व्हाट एक्सचेंज गुड्स इन चेंज ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ या इन चेंज ऑफ अनदर गुड्स. क्लियर, ठीक है, डन. सो इट वॉज अ मोड ऑफ एक्सचेंज वेन वी एक्सचेंज गुड्स इन चेंज ऑफ अनदर गुड्स. ठीक है, मतलब एक सामान के बदले में दूसरा सामान हम लोग देते थे. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पीपल, राम एंड रोहन. ठीक है, राम एंड रोहन, सपोज करो कि राम के पास वीट है एंड रोहन के पास राइस है. सो दे बोथ एक्सचेंज देयर कमोडिटीज एज पर देयर डिमांड, एज पर द नीड, है ना. राम की जरूरत होगी क्या, राम की जरूरत होगी चावल, तो राम क्या करेगा, चावल की डिमांड करेगा किससे, रोहन से डिमांड करेगा कि भाई मुझे चावल दो. ऑन अ सेम टाइम इफ रोहन ऑल्सो वॉन्ट, मैंने बोला इफ रोहन ऑल्सो वॉन्ट वीट,
देन दे बोथ विल एक्सचेंज ईच अदर, है ना। इसको अभी आप डिटेल्ड में क्लास टेंथ में पढ़ोगे, सिर्फ अभी हल्का सा एक समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया बिकॉज इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था पता है, कि दोनों की चाहत होनी चाहिए, मतलब व्हाट आई डिमांड द नेक्स्ट वन आल्सो वांट टू टेक व्हाट आई हैव। मैं उससे मांग रहा हूं अगर कुछ तो बदले में मुझे कुछ तो देना होगा, लेकिन जो मेरे पास है वो सामने वाला लेना चाहेगा तब तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होगा, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ले लो एक और, मैं SST पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ SST, मैं आपको SST डिलीवर कर रहा हूँ, बट आप रिजिड होके बैठो कि पढ़ा कैसे लीजिएगा, पढ़ा कैसे लीजिएगा। हम घर से निकले थे तब मम्मी कसम खा के निकले थे, कहे थे माम तुम्हारी कसम सर पढ़ा लेंगे हम तो पढ़वे नहीं करेंगे, वो चिल्ला के बोलेंगे तो हम कान बंद कर लेंगे, वो समझाने का प्रयास करेंगे तो हम मुंडी झुका लेंगे, नहीं हम सुनबे नहीं करेंगे। तो मतलब लॉजिक का मैजिक ये है कि हम दे रहे हैं लेकिन तुम लोगे ही नहीं, तो भैया क्या हो गया, बार्टर सिस्टम काम नहीं किया, बार्टर सिस्टम काम ही नहीं किया, समझ रहे हो। हम अभी भी क्या होता है कि हमारे घर में ना कभी कभार जब कद्दू वगैरह की सब्जी बनती है तो होता क्या है कि भूख लगा होता है, मतलब आई वॉन्ट फूड, लेकिन चूंकि कद्दू बना है तो हम कहते हैं कि भैया कुछ दूसरा है तो दे दो, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे, हम ना खाएंगे, हे बाबू भूखे रहना ज़्यादा मंजूर है। तो बना होता है, सामने से मम्मी दे रही होती है कि ले लो, बट मुझे वो नहीं चाहिए, सो आई डू नॉट एक्सचेंज, समझ रहे हो। तो दिस इज वॉट वी कॉल द बार्टर सिस्टम, जो पहले होता था, ये आज भी होता है बार्टर सिस्टम, बट अब ये बहुत छोटे स्केल पे होता है ना। अब क्या होता है कि बगल वाली शर्मा आंटी के घर से वर्मा आंटी के घर क्या पहुंचा, एक कटोरे में खीर पहुंचा। अब वो कटोरा तब तक रहेगा वर्मा आंटी के यहाँ जब तक वर्मा आंटी भी कुछ पका न लें। वर्मा आंटी जिस दिन पनीर वनीर बनाएंगी तो अपने बेटे को कहेंगी कि जाओ जाके शर्मा आंटी के यहाँ दे आओ। तो कटोरा खीर के साथ आया था, पनीर की सब्जी के साथ गया। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सचेंज, वी कॉल इट बार्टर सिस्टम। डन हो गई बात। दैट वॉज अ ट्रेडिशनल और एंशियंट मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स कमोडिटीज। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। चले डन, अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पे वापस। इसको मिटा दूं, लिख लिया सबने, हाँ जल्दी कॉपी कर लो, डू इट फास्ट। चलिए तो अब इसको इरेज कर देते हैं एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। चैप्टर को एज फास्ट एज पॉसिबल खत्म करने का प्रयास करेंगे, है ना, बिकॉज इस साल का अपना टारगेट है कि भाई नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाए, नवंबर लास्ट एटलीस्ट, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर नहीं। मतलब जैसे अभी प्रैक्टिस पेपर हो रहा है ना हर वेडनेसडे या थर्सडे को, नवंबर के बाद मोस्ट प्रोबेबली सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन वही करेंगे। तो हमेशा रिवीजन एंड प्रैक्टिस पेपर, रिवीजन प्रैक्टिस पेपर, दैट विल गो ऑन, है ना। चलो लैंड इज फिक्स्ड, नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव दैट इज द लैंड इज फिक्स्ड। ये लिखा है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखो एक बात दिमाग में छापो, अगर आप परफॉर्म उस लेवल पे करेंगे कम, यू विल गेट एवरीथिंग विदाउट डिमांड, है ना। अपना लेवल उस वहां पहुंचाइए पहले, ठीक है, उसके बाद सब मिलेगा, बिना कुछ मांगे मिलेगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन है अपना, वाई लैंड इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, वाई लैंड इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मोस्ट प्रोबेबली आपके बुक में भी होगा। वी विल गो फॉर द बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नंबर वन, लैंड इज कॉल्ड फिक्स्ड बिकॉज नंबर ए, इट्स एरिया
कांट बी इंक्रीज, इट्स एरिया, इट्स एरिया कांट बी इंक्रीज, है ना, उसकी जो एरिया है वो बढ़ाई नहीं जा सकती है। अब आप कहोगे कि सर आपने ये लिख दिया कि इट्स एरिया कांट बी इंक्रीज, मेरे पास गांव में 10 कट्ठा जमीन था, पीछे से अगर मुझे अब एक भी बार आवाज आई तो सारे बच्चे पीछे के जो है दोनों बेंच बाहर रहेंगे क्लास के, डजेंट मैटर कौन किसका आएगा सब जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ घून भी पिसता है। चलिए तो सपोज कीजिए आपको इस पहला पॉइंट का मतलब समझिए, आई मेंशन्ड हियर कि इट्स एरिया कांट बी इंक्रीज। अब आप कहोगे कि सर मेरे पास 10 कट्ठा जमीन था, पापा ने क्या किया कि 2 कट्ठा और खरीद लिया तो मेरे तो जमीन का एरिया बढ़ गया। यस ऑफ कोर्स आपके जमीन का एरिया बढ़ गया, बट ओवरऑल एरिया कांट इंक्रीज, क्योंकि अगर तुम्हारे जमीन की में 2 कट्ठा बढ़ा तो किसी और का 2 कट्ठा कमा भी तो। इट इज नॉट लाइक दैट ना, कि एक मार्कर मेरे पास है, मेरे पास अभी 2 मार्कर है, कोई मुझसे आके मार्कर मांगेगा तो मैं जब अपना ये 2 में से 1 उन्हें दे दूंगा तो उनके पास 1 बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे पास 1 कम भी तो गया। समझ रहे हो लॉजिक यहां पे? इसीलिए मैंने लिखा कि लैंड्स एरिया, इट्स एरिया कैन नॉट बी इंक्रीज, ये बढ़ता कभी नहीं है, ये फिक्स रहेगा। अब आप कहोगे कि सर कितना, तो याद करो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सो दिस इज एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट ऑलवेज, नंबर 1 थिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर, अब बात करेंगे इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कैसे क्यों फिक्स कहा गया। द मनी और अमाउंट विच वी इन्वेस्ट, विच वी इन्वेस्ट इन ओवर लैंड, ओवर लैंड बिकम फिक्स फॉर लॉन्ग टेन्योर, है ना। देखो अभी सेकेंड पॉइंट का मतलब समझो, द मनी और अमाउंट विच वी इन्वेस्ट ओवर लैंड बिकम फिक्स फॉर लॉन्ग टेन्योर। जो पैसा आप जमीन में लगाते हो वो पैसा जमीन में लग गया, है ना, और वो पैसा फिर वहां से वापस नहीं आने वाला है, वो पैसा क्या हो गया, फिक्स हो गया जमीन में। अब जिस दिन आप उस जमीन को बेचोगे दोबारा तब जाके वो पैसा वहां से रिटर्न आएगा। एक हमारे जानने वाले, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं, ही इज अ काइंड ऑफ रिच पर्सन, यू कैन से, मतलब ही इज हैविंग गुड प्रैक्टिस, मंथली प्रैक्टिस कितनी भी कम होगी तो आई थिंक 8-10 लाख तो होगी महीने की प्रैक्टिस, है ना। तो और आज तक वो रेंट के मकान में है। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि भाई इतना तो आप कमा लेते हैं, अभी तक मकान काहे नहीं बना है, तो उनका जानते हो लॉजिक क्या था। उन्होंने मुझे ये लॉजिक दिया कि भाई मुजफ्फरपुर में कितना भी कम अगर लेंगे तो 10 ढूंढ लेंगे, अच्छा अगर ठीक ठाक जगह पे लेंगे तो कम से कम 60 लाख से 70 लाख रुपए इकट्ठा होगा, मतलब 30 लाख का जमीन होगा। उसके बाद उसमें अगर एक फ्लैट भी घर बनाएंगे तो मिनिमम 15 लाख लगेंगे, 15 से 20 लाख, मतलब ये 45 से 50 लाख का प्रोजेक्ट है। नहीं, 50 लाख लगा देंगे और लगा के फिर भूल जाना होगा, उससे कुछ आने जाने को तो है नहीं। अब यही 50 लाख रुपया कहीं नहीं, मैं सीधे सीधे बैंक में मैंने डाल दिया, बैंक कितना भी कम देगा तो 1% ब्याज जरूर देगा महीने का, है 50 लाख का 1% कितना होगा भाई, 50,000, मतलब 50 लाख का बैंक अगर कितना भी कम देगा तो 50,000 देगा। उन्होंने कहा कि चलो मान लो कि बैंक 50,000 भी ना दे, बैंक 25,000 रुपया ही ब्याज दे। अब जरा मुझे बताओ, उन्होंने मुझे बोला कि जरा मुझे बताइए, अगर मैं 25,000 रुपया हाथ में लेके रेंट का मकान खोजने निकलूं तो मुझे पूरा मकान किराए पे मिल जाएगा कि नहीं। एक फ्लैट नहीं, हमको पूरा मकान किराए पे मिल जाएगा 25,000 में, है पहली बात। दूसरी बात, मेरा 50 का 50 लाख रुपया बैंक में एज इट इज है,
उसे मैं जब चाहूं जिस समय चाहूं उस समय इस्तेमाल कर सकता हूं, बट द मनी आई इन्वेस्टेड इन लैंड वो जिस समय मैं चाहूं उस समय नहीं निकल सकता। जमीन में खरीद लिया जमीन, तो जमीन बेचूंगा तब तो पैसे आएगा, तो खरीदार मिलना चाहिए, रजिस्ट्री होगा, पैसा आएगा, समय लगेगा। लेकिन यह तो बैंक में है, एटीएम जगाएंगे पैसा सर 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 बाहर। बात समझ रहे हो? यहां ये देखो बैंक 25,000 वही 25,000 से आराम से मैं हूं, जैसे मन होता है वैसे रहता। एक तारीख को मकान मालिक के मुंह पे पैसा मार देता हूं कि भैया लीजिए अपना रेंट, उसके लिए मैं भगवान हूं। पिछले 15 साल से मैं उसी मकान में एकदम अपना धौंस के साथ, मोहल्ले में नए जो लोग नए आए हैं मोहल्ले में उन लोगों को तो लगता है कि मेरा ही मकान है। बात भी सही है, उन लोगों को फील होता है कि उन्हीं का मकान है, क्योंकि लैंड ओनर वगैरह सब अच्छी ठीक से रहते नहीं है। तो लॉजिक का मैजिक ये है बाबू यहाँ पे कि दिस इज व्हाट हाउ लैंड यूज टू फिक्स अमाउंट। पैसा लैंड में पैसा फंस जाता है, फिर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, ये भी एक रीजन है। अब देखो आपके बुक से मैं बताऊं आपको, देखो क्या है। अब देखो, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। दे कुड बी फार्मर और अ फार्म लेबर। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स। ये पूरा पैराग्राफ ये कहता है कि पालमपुर के अंदर किसानी लोगों का मेन काम था। 90% लगभग लोग जो थे वो किसान थे, ठीक है। बट रिमेंबर दैट देयर इज द बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड। अब आपको तीसरा पॉइंट मैं बताऊं आपके बुक का, प्रोडक्शन कैपेसिटी। याद रखना, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लैंड इज ऑल्सो फिक्स्ड। अब इसका मतलब समझो, आपके पास गांव में मान लो 1 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा में अगर आप उस 1 कट्ठा जमीन में अगर आपने धान लगाया, राइस लगाया, तो देर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस लैंड। ये मैक्सिमम आपको आउटपुट देगी तो कितना देगी, 80 किलो देगी, 80 kg, 90 kg। बहुत अच्छा खाद डाला, बहुत अच्छा पानी डाला, बहुत अच्छा सीड का इस्तेमाल किया, देन ऑल्सो इट विल प्रोवाइड यू 100 kg मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन 100 kg। सो इट इज अ लिमिटेशन राइट नाउ। अभी मान लो आप लोग सब अभी जिस क्लास में बैठे हो, यहाँ देखो ये क्लास में सब बैठे हैं, थोड़ा ये भी प्रचार हो जाए कि बच्चे हैं अपने पास, है ना। तो भाई तो लॉजिक का मैजिक है, जिस क्लास में आप लोग बैठे हो, इस क्लास में जितने बेंचेस लगे हैं, देयर इज अ कैपेसिटी कि इस क्लास में मैक्सिमम 30, 35, 40 बैठ सकते हैं, है ना। 400 आएंगे क्या? नहीं आएंगे, समझ रहे हो। तो लैंड की एक कैपेसिटी है, फिक्स वैल्यू में बताइए। हमने झटके में भी बहुत सही रख दिया। चलिए, क्लियर हो गई बात। थर्ड पॉइंट भी समझ गए आप कि कैसे लैंड की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो भी फिक्स होती है। आंसर कॉपी कर लो, दिस इज ओवर। इफ समवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। टेन्योर का मतलब समय, टाइम। बोलिए। सो नाउ वी विल गो टू द सेकेंड, मतलब आज का क्लास का सेकेंड एंड ओवरऑल 7th क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन विल बी, यस जाइए, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। यस इट इज अ वे। बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज दैट विल हेल्प, इस क्वेश्चन का आंसर विल हेल्प यू इन ज्योग्राफी ऑल्सो। सुन लो अच्छे से। यस देयर इज अ वे टू ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड।
तो भैया क्या है वो वे देखते हैं। नंबर वन, बाय यूजिंग एच वाई वी सीड्स। नंबर टू, बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, पोटाश एटसेट्रा। बाय प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स टू अवॉइड या प्रोटेक्टिंग अनवांटेड यू कैन से व्हाट हर्ब्स एंड इंसेक्ट्स। बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ लैंड ड्यूरिंग प्लॉगिंग। बाबू ये पांच तरीके हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने खेत को है ना पहलवान बना सकते हो। जस्ट डू इट, कॉपी इट फास्ट। मैं फिर समझाता हूं आपको सारा टॉपिक। चलो सो अब एक एक पॉइंट को ना अच्छे से डिराइव कर लेते हैं। नंबर वन, देर आर सम वेज। नंबर वन वे इज बाय यूजिंग एच वाई वी सीड्स। नाउ हाई यील्ड वैरायटी सीड। नाउ व्हाट इज हाई यील्ड वैरायटी सीड, दिमाग में छापो। वी हैव टू पीरियड। फर्स्ट पीरियड ये बुक में दिया है थोड़ा एकदम एक लाइन का, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये टेंथ में आपको काम आने वाला है, तो अच्छे से इसको समझ लो। वी हैव टू पीरियड, फर्स्ट इज कॉल्ड प्री 1960 एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पोस्ट 1960। पोस्ट 1960, नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ प्री 1960। सो प्री 1960 मतलब 1960 से पहले, बिफोर 1960 और प्री 1960 वी यूज टू डू ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब इस ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, आप जाके घर पे गांव जाओ तो कभी दादाजी से पूछना या दादी से, वो बताएंगी कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था कि जैसे मान लो कि अभी गेहूं की फसल कट रही है, तो जब गेहूं की फसल किसी के यहाँ होती थी तो अगर मान लो कि मेरे घर पे गेहूं की फसल इस बार 500 किलो यानी कि 5 क्विंटल हुई, अब मैं क्या करूँगा एज अ ट्रेडिशनल फार्मर, अपने उसी 500 किलो में से 50 किलो या 100 किलो 50 केजीज और 100 केजीज ऑफ वीट मैं अलग निकाल के सेपरेट कर दूंगा। क्यों? फॉर नेक्स्ट ईयर सीड, अगले साल के बीज के तौर पे। एंड द रेस्ट 400 किलो मैं अपने लिए या बेचने के लिए इस्तेमाल करूंगा। दैट वॉज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग फार्मिंग, कि हम इस फसल में से अगले फसल का बीज निकाल लेते थे। बट पोस्ट 1960 में क्या हुआ, 1960 के बाद इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन को, हरित क्रांति बोलते हैं हिंदी में इसे, वी अडॉप्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, एच वाई वी सीड्स आ गया। ये क्या है, ये केमिकली फैक्ट्री में तैयार किया हुआ सीड होता है, केमिकल प्रोसेस से फैक्ट्री में तैयार किया हुआ सीड होता है। बेसिकली इट्स अ यंग सीड। यंग सीड का मतलब क्या है, राइट नाउ माई एज इज 29-30, यू कैन से 30 आप बोल सकते हैं। आज से 20 साल के बाद एनर्जी लेवल ऑफ माइंड विल बी नॉट द सेम, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन अ यंग स्टेज, सो आई कैन एफर्ट गिव एफर्ट अलॉट। तो फैक्ट्रियों में भी क्या होता है कि एक्स और वाई गैमेट्स को क्रॉस कराया जाता है, और एक्स और वाई गैमेट्स को क्रॉस करा के, दो अलग अलग बीजों को क्रॉस करा के एक नया बीज बनाया जाता है, और उसी को कहा गया हाइब्रिड, हाइब्रिड बीज। समझ गए, मतलब दो अलग अलग प्रजाति को लिया
और ले करके क्रॉस कराया और एक नया ब्रीड बनाया। एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ जो आपको तुरंत दिमाग में छप जाएगा। आप सबने जर्मन शेफर्ड कहीं ना कहीं देखा होगा। जर्मन शेफर्ड इज अ हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड ऑफ वुल्फ एंड अ नॉर्मल जर्मन डॉग, रोड डॉग। जर्मनी का नॉर्मल रोड डॉग और वुल्फ, इनका क्रॉस ब्रीड है जर्मन शेफर्ड। और इसको इसलिए किया गया था, इस ब्रीड को इसलिए उस समय तैयार किया गया जर्मनी में, क्योंकि शेफर्ड्स, शेफर्ड मतलब भेड़ चराने वाले, चरवाहा, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले जो चरवाहा थे, वो वुल्फ भेड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि भेड़िया चराने के टाइम वाइल्ड ग्रेजिंग उनके भेड़ों को, बकरियों को पकड़ के खा जाती, उन पर अटैक कर देती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जैसे भेड़िए का सामना, भेड़िया को पाला नहीं जा सकता है ना, वुल्फ को नहीं पाला जा सकता, तो कोई ऐसा निकालना पड़ेगा, एक ऐसा काट निकाला जाए जो कि ह्यूमन फ्रेंडली भी हो और दिमाग से, स्पीड में, पावर में वो भेड़िए के बराबर हो। इसीलिए भेड़िए को, यानी कि वुल्फ को और डॉग को, नॉर्मल रोड स्ट्रीट डॉग को क्रॉस कराया गया है ना, मेल फीमेल, और उससे जो बच्चा जन्म लिया वो हुआ जर्मन शेफर्ड। जर्मनी में हुआ इसलिए जर्मन, और शेफर्ड यानी कि हुआ क्यों, उसको बनाया क्यों गया, तो चरवाहों के, भेड़ों की रक्षा करने के लिए, इसलिए उसको शेफर्ड कहा गया और उनको ट्रेनिंग ऐसी दी गई। इसलिए जब आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हो, द थ्रोट यू कैन सी, वो पूरा वुल्फ की तरह दिखेगा। बाल देखो पूरे बॉडी पे वुल्फ की तरह होते हैं, लेकिन होता वो डॉग है। आप कभी कभार जर्मन शेफर्ड को ना ऊ करते हुए भी सुन लोगे, दे यूज टू गिव दैट ऑल्सो, वहां से भी आप लिंक कर सकते हो कि कहीं ना कहीं उनकी प्रजाति वहीं से आई होगी। सेम काम बाबू खेती में भी होता है, दो अलग अलग बीजों को लिया, क्रॉस कराया, एक नया बीज जन्म लिया, एंड दैट इज प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड HYV सीड प्रोसेस। डन हो गई बात अब। चलिए नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स। नाउ व्हाट इज दिस, देखो हम लोग के लाइफ में हम लोग सब दूध पीते हैं रात को। बेसिकली दूध पीने के दो तरीके हैं, नंबर वन सिंपल दूध पी लिया आपने, नंबर टू दूध में हॉर्लिक्स मिलाए दूध की शक्ति बढ़ाएं। सो व्हाट यू आर एडिंग इन योर मिल्क, यू आर एडिंग सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स इन योर मिल्क सो दैट योर मिल्क नॉट ओनली बिकम टेस्टी बट ऑल्सो सम यू कैन से विटामिन्स एंड मिनरल्स गेट बूस्ट अप, ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा ताकत मिल सके, आप ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सके, ग्रोथ ज्यादा हो। सेम थिंग डन बाय द केमिकल फर्टिलाइजर, खाद डाल के भी काम हो सकता है गोबर वाला, लेकिन अच्छा तो सबसे वही होता है, लेकिन वो क्वांटिटी में कम होता है, महंगा ज्यादा होता है। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि सडन बूस्टअप हम खेती में ला सके और अनाज अच्छा उग सके। डन हो गई। अ प्रॉपर इरीगेशन, इरीगेशन मतलब पानी देना, एक अच्छा लंबा चैनल हो पानी का ताकि खेत को पानी अच्छे से मिल सके। यूजिंग पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड मतलब अनवांटेड कीड़े, अनवांटेड जो पौधे हैं, है ना, आपने कभी ना कभी बथुआ का साग खाया होगा लाइफ में, जैसे पालक का साग होता है, वी विल हैव पालक साग, लाल साग, रेड, है ना, वैसे बथुआ एक है, नहीं खाया तो घर जाकर मम्मी से पूछना, सी विल श्योरली टेल यू कि बथुआ होता है। ये बथुआ क्या है, तो ये अनवांटेड साग है, कोई भी आदमी बथुआ लगाता नहीं है बीज डाल के, वो अपने आप निकल जाता है एज अ वीड, वीड के तौर पे निकल जाता है। सो हम ऐसे वीडिसाइड्स को, वीड्स को भी रोकने के लिए छिड़काव करते हैं खेत में। अब देखो आप कहोगे, मन में होगा जब लगेगी कुछ ज़्यादा बाउंस हो रहा है तो बोलना, मैं रुक के फिर से रिपीट करूँगा। आप कहोगे सर ये वीडिसाइड होइए गया तो इससे क्या फर्क पड़ गया गेहूं को, फर्क पड़ा, कैसे फर्क पड़ा से मैं बताता हूँ, ठीक है, जरा जल्दी आओ। अब देखो फर्क कैसे पड़ेगा, सपोज करो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ है ना, और मैं ऐसे फैल के खड़ा हूँ, ये मेरा पोस्चर है। अब प्रतीक क्या करेगा, प्रतीक इधर हमको फोर्स करो, बिकॉज ये भी तो मेरे ही पास आ रहा है ना, तो ही इज फोर्सिंग मी, तो मेरे को जितना ग्रोथ करने की जगह चाहिए था वो तो नहीं मिला बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है, वो साइज में छोटे होते हैं बट रूट लेवल पे जगह तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना, तो गेहूं की पेड़ कम निकलेंगे,
यही होता है वेडिसाइड्स की वजह से, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े जो कि जड़ों को खा जाते हैं और आपका पौधा सुखा देते हैं, हम इन्हें मार देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लास्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ लैंड ड्यूरिंग प्लॉगिंग। प्लॉगिंग मतलब जुताई, जब खेत की जुताई होगी ऑन दैट टाइम खाद डालना, पानी डालना, प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ दैट। व्हाट इज प्रैक्टिस पेपर जो आज आपको मिलेगा, टेस्ट के पहले की आपकी एक रिवीजन है, वो संडे यू हैव इंग्लिश टेस्ट, उसके पहले वो आपका एक प्रैक्टिस पेपर आपको मिल गया, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज गोइंग टू बी हैपन ऑन संडे। बिफोर मैच प्रैक्टिस है वो। सिमिलरली खेती में फसल लगाने से पहले हम लोग अपने खेत को तैयार करते हैं, सो बाय डूइंग ऑल दीज प्रोसेसेस यस वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द सेम लैंड। क्लियर हो गई बात? कॉपी भी कर लिया आपने? डन। चलो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो यस, अच्छा हाँ एक चीज, जिनके पास एनसीईआरटी है दे कैन इजीली सी। देखो आप लोग देखो चैप्टर में ना, इन दैट मिडिल ऑफ द चैप्टर देर आर सम क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। एग्जांपल मैं शो कर रहा हूं आपको, ध्यान से देखो, यू कैन सी हियर जस्ट 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 बिहाइंड दिस, बिलो दिस पेंटिंग, दिस डायग्राम, यू विल हैव टू क्वेश्चंस ओवर हियर। सिमिलरली लेट्स डिस्कस, फ्यू क्वेश्चंस आर हियर, सिमिलरली सजेस्टेड एक्टिविटीज हियर, है ना। सो ऑल दीज आर क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑल्सो, अगर किसी को लिखने में समस्या होगी तो मैं हूं ना, है ना, फिर मैं कह सकता हूं कि भाई किसका है या तुमको इंतजार, मैं हूं ना। चलिए, विल द लैंड सस्टेन, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विल द लैंड सस्टेन। अब क्वेश्चन को आंसर समझने से पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। यहां विल का मतलब आप जानते हो, होगा, द तो द है, डिफिनिट आर्टिकल है, लैंड मतलब जमीन होता है, बट ये जो वर्ड है ना, दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, सारा खेल इसी पर है। सस्टेन, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन? द वर्ड सस्टेन मीन्स हैविंग एनीथिंग इन द सेम वे और पोस्चर और वैल्यू इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वी हैव इन आर पास्ट। ये है आपका सस्टेन वर्ड का पूरा मतलब, समझिए मतलब क्या मतलब है सस्टेन का। सस्टेन का मतलब ये है कि जो भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स, जिस तरीके के जितना हमारे पास पास्ट में था, हम उतना ही कम से कम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में भी बरकरार रखें, इसको बोलेंगे सस्टेन करना। एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी जब वो मर रहे थे, जब उनकी डेथ हो रही थी, उससे पहले जब उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, एंड धीरू भाई अंबानी वॉज अ वेरी गुड फादर बिकॉज विदाउट एनी पार्शियलिटी धीरू भाई अंबानी डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी, हिज होल वेल्थ इक्वली अमंग बोथ, अपने दोनों बेटों में बराबर बांट दिया। अब देखो जरा, मुकेश अंबानी को जो आधा पैसा मिला, उस आधे पैसे को मुकेश अंबानी ने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि ना केवल उन्होंने अपने पैसे को सस्टेन किया, बट ऑल्सो ही बिकम एशियाज रिचेस्ट मैन। मुकेश अंबानी ने अपने पिता के द्वारा मिले पैसे को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को ना केवल बरकरार रखा, बल्कि उसको इतना बढ़ाया कि ही बिकम द एशियाज रिचेस्ट मैन। अनिल अंबानी उन्हीं का छोटा भाई, अपने फादर से मिले प्रॉपर्टी को वो इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया कि ना केवल आज वो यू कैन से
लोअरेस्ट मतलब अमीरों में सबसे गरीब है, बल्कि हजारों करोड़ का लोन है, घर बिक गया, गाड़ियां बिक गई, नहीं ये कंडीशन, फैक्ट्रीज सील हो गए, जो भी मिला था सब खत्म. ही इज नाउ स्टार्टिंग अगेन बिल्डिंग अप हिज एवरीथिंग बाय द हेल्प ऑफ द ब्रदर. तो आप समझिए सस्टेन का मतलब कि आपको जो मिला आप उसको बरकरार रखे रह जाए. आपके फादर ने आपको जो दिया कम से कम उतना भी बरकरार रखे रह गए आप, तो मतलब आपने अपना सम्मान बरकरार रख लिया, यही मतलब है. तो क्या कह रहा है कि विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन सकेगा. आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया वो समझो आप. राइट नाउ वी रेड, ये लिखना मत सब समझो, राइट नाउ वी रेड दैट वी विल यूज HYV seeds and other chemicals for increasing farm productivity, but on a same time, likhi lo, अब तुम पूरा लिख ही दिए था. ऑन अ सेम टाइम इट एग्जॉस्ट आर लैंड्स पोटेंशियल है ना. देखो बाबू, दवाई खा के काम नहीं किया जाता. आपको अगर बुखार लगाया, आपने तुरंत एक कैल्पॉल लिया, खाया, लगा आपको कि थोड़ा सा बुखार डाउन हुआ, आप काम पे निकल गए, वह बुखार आपको इतनी बुरी तरीके से पटकेगा विद इन 1 से 2 डेज में कि आप फिर बेड रेस्ट में जाने वाले हो पूरे एक सप्ताह के लिए. द सेम थिंग डन विथ लैंड ऑल्सो. इफ यू आर यूजिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट केमिकल्स, और आप जमीन से मजबूरी जबरदस्ती कह रहे हो कि हमको ज्यादा ग्रोथ करो, ज्यादा अनाज दो, एक दिन आएगा द लैंड विल टोटली एग्जॉस्ट. अब बोलेगा कि बाबू कुछ बचले नहीं है, कहाँ से दें, इतना खाद डालना है डाल लो, हम उगवे नहीं करेंगे, मिनरले नहीं बचा. तो क्या मतलब हो गया. तो भैया लैंड सस्टेन करेगा, लेकिन कब करेगा, व्हेन वी यूज द केमिकल्स इन अ वेरी लिमिटेड ऑर्डर. समझ रहे हो, हॉर्लिक्स में दूध मिलाना है, लेकिन बाबू अगर उस हॉर्लिक्स को ही सीधे खाने लगोगे चम्मच से निकाल के दिन में 10 बार, तब पेट में पकड़ लेगा और जोंक हो जाएगा, और उसके बाद में रात भर की की करते रहिएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा. बात समझ रहे हो. हमारे हम जब छोटे थे ना तो थोड़े गोलू मोलू टाइप्स थे ना, नहीं अभी तो बहुत कम है, पहले कुछ ज़्यादा ही थे, फूला फूला था. तो भाई एक बार की बात है, हमारे जानने वाले कुछ लोग, हम गाँव आते थे समर वैकेशंस में, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा था वो दुबला पतला एकदम, मतलब अपना केसव था वो, नहीं तो वैसा था, तो उनको लगा थोड़ा सा होता ना जलन टाइप्स कि कैसे थोड़ा फूला फूला एकदम गोलू थोलू लग रहा है, तो क्या करने लगे कि अपने बेटे को ना दिन में 3 टाइम भैंसी का दूध पिलाने लगे, क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा होता है. अब बेचारा 1 महीना में इतना ना दूध पिया भैंसी का कि उसको जॉन्डिस हो गया. यही है लैंड, यही क्वेश्चन का आंसर है कि दूध पीना है लेकिन एक गिलास एक दिन भर में एक बार पीना है. दिन भर में 3 बार पियोगे तो गैस बनेगा, हो सकता है कि फैट बढ़ जाए और आपको बीपी हो जाए, शुगर हो जाए. समझ रहे हैं. तो एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज हार्म, विल हार्म एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर. इज इट ओके, डन, क्लियर हो गए. बोलो बाबू. नहीं नहीं यही वाला राइट होगा. हाँ मैंने बोला था कि राइट अच्छा वो वाला ना. हाँ 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 ठीक 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 हाँ राइट नाउ सही है. चलिए डन. सो गाइस आज के लिए इतना ही रखेंगे. ऑल रेस्ट 2-3 क्वेश्चंस व्हाट वी लेफ्ट इन द चैप्टर वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय.